टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। रोटरी क्लब के आगामी वर्ष 2025-26 की तैयारी हेतु डिस्ट्रिक्ट 3142 के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इलेक्ट डॉक्टर नीलेश वजीरानी की अध्यक्षता में उल्लासनगर 3 स्थित महालक्ष्मी मोटर्स में जून 7 की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी वर्ष 2025-26 में बेहतरीन तरीके से मानवता का कार्य हो, इस संदर्भ में चर्चा हुई। बैठक में खास मेहमान डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट सरजीत पोथेन उपस्थित थे। महत्वपूर्ण बैठक में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इलेक्ट डॉक्टर नीलेश वजीरानी, रोटरी क्लब विठलवाड़ी, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इलेक्ट जेठानंद बागिया, रोटरी क्लब विठलवाड़ी, असिस्टेंट गवर्नर इलेक्ट रोहिदास बोहेर, रोटरी क्लब भिवंडी बीकेसी, असिस्टेंट लर्निंग फैसिलिटेटर इलेक्ट जगदीश महात्रे, रोटरी क्लब भिवंडी रूरल, प्रेसिडेंट इलेक्ट सुधाकर महात्रे, रोटरी क्लब भिवंडी बीकेसी, प्रेसिडेंट इलेक्ट किशोर वेंगाल, रोटरी क्लब भिवंडी सेंट्रल, प्रेसिडेंट इलेक्ट आशुतोष दवाड़े, रोटरी क्लब भिवंडी साउथ, प्रेसिडेंट इलेक्ट संजय पाटिल, रोटरी क्लब भिवंडी अंबाड़ी ने शिरकत की। आज यहाँ पे महालक्ष्मी मोटर्स में रोटरी ईयर 2025-26 का जोन 7 का एक अपना डीएस ग्रुप का प्रेजिडेंस के साथ में मीटिंग था, जिसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि मेरी पूरी टीम ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जेठानंद बागिया जी, असिस्टेंट गवर्नर इलेक्ट रोहिदास बोहेर जी और असिस्टेंट लर्निंग फैसिलिटेटर जगदीश मात्रे जी और भिवंडी अब रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी बीकेसी के सुधाकर मात्रे जी प्रेसिडेंट इलेक्ट और प्रेसिडेंट इलेक्ट आशुतोष जी भिवंडी साउथ से, इसके अलावा भिवंडी अंबाड़ी से एडवोकेट संजय पाटिल जी और उसके अलावा भिवंडी सेंट्रल से किशोर विंगल जी, यहाँ पे सब लोग आए हैं। और इस मीटिंग को अपनी ब्लेसिंग देने के लिए 25-26 के CDMT मेंबर, जो कि एक बहुत ही अपना इनका इम्पोर्टेंट रोल है 25-26 में, सीनियर रोटेरियन सीजी पोथिन जी इस मीटिंग को ब्लेसिंग करने के लिए आए हैं। और एक ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नीलेश वजीरानी जो कि अपना इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट अपना ये है मीटिंग है, और आगे चल के वर्ष 2025-26 में ये सब लोग अपने अपने क्लब में प्रेसिडेंट बन के रोटरी के माध्यम से सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। नए प्रेसिडेंट जो है वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज वो लोग अभी रोटरी में आए हैं, रोटरी को सीरियसली लेने लग गए और आगे जाके अपने क्लब्स को लीड करेंगे। और रोटरी का जो भी है ये सब कुछ शुरुआत क्लब से ही होता है। जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रोटरी, इसके जितने सारे क्लब्स हैं, ये क्लब प्रेसिडेंट्स जब काम करते हैं तब एक रोटरी ईयर सक्सेसफुल होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बेसिक कड़ी है वो प्रेसिडेंट्स है, और ये प्रेसिडेंट्स हम लोग को दिख रहे हैं कि वो बहुत एक्साइटेड है। अब इनको ट्रेन करना है, रोटरी इन्फॉर्मेशन देना है, इनमें और लीडरशिप क्वालिटीज़ लाना है, जिसके वजह से ये अपने क्लब्स में जाएंगे, क्लब्स परफॉर्म करेंगे और जिसके वजह से ह्यूमैनिटी का बेनिफिट होगा। आज के मीटिंग के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट है और सब CDMT टीम के श्रीजीत सर जी है, इन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्ट को अच्छे से गाइड किया, अगले फ्यूचर के लिए फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कौन सा मीटिंग कैसा है रहेगा उसके बारे में गाइड किया। आज की मीटिंग को लेकर आपका क्या अनुभव रहा? बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। क्लब ने हमें चुना है अगले साल के लिए प्रेसिडेंट बन के क्लब को लीड करने के लिए, बट वो लीड करने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस हमें आज इस मीटिंग के द्वारा दी गई है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।